वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा चैप्टर चल रहा है, और एलसीएम भी हम पढ़ चुके हैं एंड एचसीएफ भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंबाइंड क्वेश्चन। देखिए, क्लास सिक्स्थ में जो भी बच्चे हैं वो अपना सिलेबस उठा करके देख सकते हैं। आपके पास में मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जिसे अभी फॉलो किया जा रहा है। तो अरिहंत पब्लिकेशन के आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उठा करके देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग मैं करवा चुका हूँ, है ना, इस टाइप के। तो अभी हमारे पास में क्या टॉपिक है? जो मैंने बताया था कि भाई एलसीएम आपको आना चाहिए, फिर एचसीएफ आना चाहिए, फिर कंबाइन आना चाहिए, फिर इसके अलावा दो चार क्वेश्चन और होते हैं जो इसी टॉपिक से होते हैं, हमें आने चाहिए। तो हमने एलसीएम सीख लिया, एचसीएफ सीख लिया, अब बारी है कंबाइंड क्वेश्चन की। कंबाइंड क्वेश्चन होकर के किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए 9565477302। इस पर अपना नाम लिख के भेजना है। नाम लिखिए, क्लास लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और कौन सी क्लास के लिए, अपेयरिंग फॉर क्लास, अपेयरिंग फॉर क्लास, किस क्लास के लिए अपेयर हो रहे हैं, नाइन्थ या सिक्स्थ के लिए, जो भी है वो आप टिक करके देंगे, है ना। तो इन बच्चों के लिए, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए अलग से यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ताकि जो आपकी वीडियोज छूटती हैं उनको भी आप बाद में देख सकें, अपने आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा, तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो रेगुलर इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और अपेयरिंग फॉर क्लास, और इसमें एक फादर नेम ऐड कर दीजिएगा, फादर नेम, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर चेंज रहेगा व्हाट्सएप का तो मोबाइल नंबर प्लीज़ दे दीजिए। और सॉरी, और आप लोग रेगुलर हमारे स्टेटस जो होता है ना, स्टेटस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो दो लिंक रहेगी, एक पहली वाले क्लास की होगी, एक दूसरी वाली क्लास की होगी। आप उस पर क्लिक किया करिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको आप वहाँ पहुँच जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे आप यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, तो आपको बार बार कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना ही ये रहेगा कि भाई क्लास स्टार्ट हुई नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। तो डायरेक्टली ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप करके हमें भेजिए, और यूज़र आईडी और पासवर्ड उन्हीं को मिलेगा जो ये काम करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, मेरा स्टेटस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। मैं और कोई स्टेटस नहीं लगाता हूँ, केवल अपने ही कोचिंग का ही लगाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम आपने पढ़ा, लेकिन उससे पहले मैं जानना, ये एक टॉपिक जो है हमारा एलसीएम निकालना है। फाइंड, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड एलसीएम ऑफ, ऐसे लिखा है 3/4, 5/6, 7/8 और 1/2, ऐसे लिखा गया। अब मैंने ये अपॉन मींस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन चैप्टर में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने बोला कि हाँ एलसीएम जब पढ़ाएंगे तभी पढ़ा देंगे, फ्रैक्शंस में दिए हैं, अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला, देखिए कंबाइन है, चलेगा आप सारी चीज़ें। तो एलसीएम का फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम और अपॉन एचसीएफ, मतलब ऊपर वाले नंबर्स जो हैं, ऊपर वाले कौन से हैं, 3, 5, 7 और 1, इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए 3 से जाएगा सबसे पहले 1, 5, 7, 1, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा 5, 1, 1, 7, अब किससे जाएगा 7 से, तो 1, तो 5 से 15 और 15 सत्ते 15 105, 105, तो एलसीएम कितना हो गया 105। और नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, क्या एचसीएफ निकालना है। तो आपने एचसीएफ निकालना सीखा है ना, 4, 6, 8 और 2। मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 2, 4, 6, 8। इसका एचसीएफ कैसे आएगा, 2 बाहर 4 अंदर, 2 2 जा 4, 0 आ गया, मीन्स हमारा ये आंसर है।
इन दोनों से तो मेरा ये आंसर है। अब इन दोनों को देखिए, टू और सिक्स, टू थ्री जा सिक्स जीरो, तो फिर से ये आ गया। तो इन दोनों से आंसर क्या है, टू। इससे और इससे देखिए, टू एट अंदर, टू फोर जा एट, तो कितना आ गया, जीरो। तो दैट मीन्स हमारा एचसीएफ कितना होगा, जीरो। दिस इज आवर आंसर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम ना बोल के वो हमें बोल देता एचसीएफ, तो क्या करते, तो एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। मतलब अब ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ, इनका जो है इन नंबर्स का एचसीएफ, मींस ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो देखते हैं, थ्री फाइव सेवन और वन का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इंक्रीजिंग में लोग वन थ्री फाइव सेवन, इसका और इसका, वन बाहर थ्री अंदर, वन थ्री जा थ्री जीरो आ गया। वैसे एक नोट डालिएगा, नोट लिखिएगा, नोट नोट डाल दीजिएगा, व्हेन देयर इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो लिख दीजिए एचसीएफ इज इक्वल टू वन। एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। अगर ऑड नंबर है तो एचसीएफ कितना होगा, वन। देखिए यहां तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी, तो इसका आंसर कितना आएगा, वन। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, वन। एलसीएम फोर सिक्स एट टू निकालिए, फोर सिक्स एट और टू, यहां करके देख लीजिएगा आप, एचसीएफ वन ही आएगा। वन और थ्री का क्या, तो थ्री वन वन, इसका आंसर तो वन आ गया। वन और फाइव, वन और फाइव के क्या, वन फाइव जा फाइव, तो जीरो आ गया। फिर से इनका भी वन आ गया, तो वन और सेवन का तो वन ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एलसीएम है ना, तो एलसीएम नीचे वाले नंबर्स का, तो नीचे वाला नंबर देखिए क्या है, फोर सिक्स एट टू, फोर सिक्स एट और टू, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें सबसे पहले दो से स्टार्ट करना है, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, टू फोर जो एट, टू वन जो टू, फिर से टू से देखिए, टू वन थ्री टू और वन, फिर से टू एक बार जाएगा, वन थ्री वन और फिर अब थ्री से, तो वन वन वन, थ्री टू सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर, तो ये आंसर हो गया, वन अपॉन ट्वेंटी फोर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, नोट करिएगा, लिखेंगे क्वेश्चन, टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन सेवन, नाइन अपॉन थर्टीन, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम फाइंड करिए, एलसीएम हाँ कोशिश करिए, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। देखिए एलसीएम है तो पहले एलसीएम, अगर ऊपर एलसीएम हो गया तो नीचे क्या, एचसीएफ। तो एलसीएम किसका, टू थ्री फोर और नाइन का, देखिए टू, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि पहले आप सीख लीजिए, टू थ्री फोर और नाइन। सबसे पहले किससे करूं मैं, टू से, वन थ्री टू नाइन, अब किससे करूं, टू से, वन थ्री वन और नाइन, अब किससे करना चाहिए मुझे, थ्री से, वन 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 अब किसे करना चाहिए, अगेन तीन बचा तो थ्री से, है ना, वन वन वन, सही है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू टू इंटू टू टू थ्री इंटू थ्री, सही है। इसीलिए फर्स्ट क्लास से लेके आपको कंटिन्यू एक एलसीएम एचसीएफ की क्लास कल भी बनेगी। दो दुना चार, चार तीन बारह और बारह तीन छत्तीस, थर्टी सिक्स आ गया हमारा। तो इसका कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स, मीन्स एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। तो एलसीएम तो हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, नीचे वाले नंबर्स का। देखिए ये ऑड है, ऑड है तो वन, चेक करके देख लेते हैं कैसे करना है हमें, वो देखिएगा, देखते हैं क्या निकालना है। एचसीएफ
3, 5, 7 और 13। देखिए मैंने बोला था कोई भी नंबर अगर ऑड आ जाए तो एचसीएफ कितना होता है, 1। ऑड नंबर आने पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो ये आंसर तो मेरे निकल चुका, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ 1 ही आएगा। 3 और 5 का पहले करते हैं, 3 बाहर 5 अंदर, 3 वन ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2 और 3, 2 वन ज़ा 2, 3 में से उन गए 1, तो ये 2, 1 टू ज़ा 2, तो 0। तो इन दोनों से तो हमारा आंसर कितना है, 1। 1 और 7 1 और 7, 1 7 ज़ा 7, 0। इन दोनों से कितना आ गया, 1। इससे और इससे कितना आएगा, 1 बाहर 13 अंदर, जो छोटा होता है वो बाहर, 1 30 ज़ा 13 0। तो फाइनल आंसर कितना है, 1। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ये वाला, है ना। देखना क्या है, नंबर्स में अगर कोई भी ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है तो एचसीएफ कितना होगा, 1, है ना। एक और देखते हैं, आप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक, है ना। पता चला हम कुछ पढ़ते जा रहे हैं उधर क्वेश्चन अलग ही। एक मिनट, शायद एक पीछे क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन मेरा लिखो पहले, लिखिए फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 3 digits, कल मैंने कराया है, 3 digits लार्जेस्ट नंबर, नंबर व्हिच ऑन डिवीजन विथ 3, 5 and 6 लीव्स रिमाइंडर इक्वल टू। आपको वो नंबर बताना है 3 digit का, सबसे हाईएस्ट नंबर, जिसे 3, 5 और 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। कल मैंने कराया था, एक बार मैं करा देता हूं क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए क्लास 6th में ये सारे क्वेश्चंस हैं, मिलिट्री स्कूल की बुक अगर आप लेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। अच्छी बुक्स होती हैं, आप बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और बाकी कोचिंग तो मैं ले रहा हूँ, है ना। तो 3, 5, 6, तो जो लार्जेस्ट 3 digits नंबर हैं वो 9, 9, 9, यही होता है। इससे इसे डिवाइड करिए, देखिए 9, 9, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 3 9 0 9 3 3 9 0 9, तो 9 आ गया, 0 रिमाइंडर, 0 आया ना, 1 नहीं है, हमें 1 लाना है। क्या लाना है, 1। इसको अगर 5 से हम डिवाइड करें तो शायद 4 आएगा रिमाइंडर, 1 नहीं आएगा। लाना कितना है, रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 1। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, आगे देखते हैं, लार्जेस्ट जो 3 digit नंबर है उसे हम लिख देते हैं अलग से, 9, 9, 9, सही है। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें इसका एलसीएम लेना है, 3, 5 और 6 का एलसीएम हो गया, एलसीएम लीजिए। पहले 2 से करिए, 3, 3, 5, 2, 3, 6, सही है। अब 3 से करें, 1, 5 और 1, इस अब किसे करें, 5 से, तो 1, 1 और 1 सबका आ गया। तो एलसीएम कितना आया, 2, 3 और 5, तो 3 2 6 6 30 30 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 30। अगला स्टेप क्या है, ये इसके ट्रिक भी है, बट ऑप्शन होते तो मैं ट्रिक्स देता, 9, 9, 9 इसको इससे डिवाइड करिए, 30 से, 3 ज़ा 90 माइनस 9 9, 3 ज़ा 90 कितना है, 9। ये बचा है ना, इसको इसमें से माइनस करो, सबसे हाईएस्ट इज 9, 9, 9 माइनस 9 9, 9, 0, देखिए ये हमारा नंबर हो गया, ये फाइनल आंसर। लेकिन रिमाइंडर कितना बचाना है, 1, इसीलिए 1 जोड़ दो,
9 में से 9 9 1। अब करके देखते हैं, इससे करेंगे तो 1 आना चाहिए। करके देखिए, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए 9 9 1 को मैं 3 से डिवाइड दूँ, 3 3 9 0 9 3 3 9 0 1 1 आया ना, रिमाइंडर 1 ही तो लेना था। 5 से करके देखते हैं। अच्छा 9 9 1 5 5 1 5 तो 4 और 9, 5 4 5 9 45, 9 में 5 गया 4 1, 5 8 40, तो 1 बचा, यहाँ 0 गया, तो रिमाइंडर 1 आया ना। इसी तरह 6 से भी करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवीजन विथ 5 6 and 8 लीव्स रिमाइंडर इक्वल टू 2। तो आप वो हाईएस्ट नंबर बताइए। इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी है जिसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हाल फिलहाल एक क्वेश्चन आप सीखिए केवल, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो फिर हमने आज शायद 2 क्वेश्चन सीख लिए, एक और आप करके दिखाइए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/5 5/6 and 6/8। जल्दी से करके बताइए। आ गया, जी करिए आंसर बताइए भाई। हाँ आप कमेंट कर दीजिए, ओके करिएगा फिर बताइएगा, है ना। तो एक टॉपिक और जो हमारा इसमें बचता है एचसीएफ एंड एलसीएम में, वो ये देखिए। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू a1 into a2। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, लिखा रहेगा एफ एल सी एम एंड एंड एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 604 and 2। If one number is 302, find other number। क्वेश्चन पढ़ते हैं। If LCM and HCF of 2 number, मतलब देखिए LCM फिर HCF, पहले एलसीएम दिया ना, तो पहले वाला जो नंबर है वो एलसीएम 604, एचसीएफ कितना है 2। इफ वन नंबर इज 302 मींस ए वन की वैल्यू कितनी हो गई 302, तो ए टू की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ होता है, ये नंबर 1 पहला नंबर 1 और ये हम नंबर 2, ठीक है। हिंदी में व्यंजक कहा जाता है, व्यंजक, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर भी हम निकाल देते हैं, क्या आएगा, फॉर्मूला लिखते हैं एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए वन इंटू ए टू, सही है। एल सी एम कितना दिया है 3 600
604, HCF कितना है 2, A1 कितना है 302, A2 पता नहीं, ओके तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नीचे आता है। मैं यहाँ पे करूँगा 604 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा मेरा 302 इक्वल टू ए टू, सही है 1 और ए 2, 2 2 4, दैट मीन्स ए 2 इक्वल टू 4, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन इस केस, देन द सम ऑफ द, ये आपके कोर्स का तो नहीं है, है ना, ये आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स, बट मैं तब भी आपको बता देता हूँ इसे किया कैसे है ना। लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर, या छोड़ दीजिए इसे, है ना। कैसे करते हैं, हल्की सी हिट, इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए, इसको फिर इससे माइनस करिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, जो आ जाएगा उन नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। लेकिन ये आपके काम का नहीं। ओके नेक्स्ट, अच्छा आंसर भी दिया है, ओके कोई बात नहीं। ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी समझाया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, एफ एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 37, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। तो देखते हैं, प्रोडक्ट बोला है ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट मतलब एचसीएफ, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू A1 इंटू A2, यही है। वैल्यू पुट करिए, इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4107, ठीक है, दोनों को कंबाइनली इन्होंने दे दिया। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 37, एचसीएफ की वैल्यू है 37, हमें एलसीएम नहीं पता, ओके कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू कहाँ जाएगी नीचे, एल सी एम इक्वल टू 4107 डिवाइडेड बाय 37, डिवाइड करके देखते हैं 4107 डिवाइड बाय 37, वन टाइम्स जाएगा 37, 4 और 0 37, 3 और 7 1 बार 37, तो एल सी एम कितना आ गया 1 1 1, यही आंसर होना चाहिए इसका। ये क्लास 9th एंड क्लास 6th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए, 999 वाला सीख लिया और अपॉन वाला एचसीएफ एलसीएम सीख लिया, तो आप मानिए 99% आपको ये चैप्टर आता है, क्लियर। और आपको यही क्वेश्चन सीखने हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह इसमें ऑप्शन भी है, देखिए मुझे लगता है आगे सब में ऑप्शंस हैं, तो ए बी सी, ये देखिए सी में 111 है, अगर 111 है तो फिर इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर नंबर सी, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है 111 वो क्या है, सही है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है, है ना, तो फिर क्या बात है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 3, 4, 5 एंड ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि दिया है तो फिर देखना ही चाहिए। ओके द थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 3, 4 एंड 5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, देन एचसीएफ निकालना है, तो कोई बात नहीं, इधर देखिए, अच्छा इसमें रेशियो में दिया, तो एक रेशियो चैप्टर आएगा फिर हम बताएंगे, है ना। तो ए मान सकते हैं A1 इक्वल टू 3x और B2 इक्वल टू 4x और A1 A2 मानिए, इसे A3 मानिए इक्वल टू 5x,
तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तो वैसे ये नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा, बोला क्या गया वो क्वेश्चन देखते हैं फिर से। थ्री नंबर्स आर इन रेशियो, थ्री रेशियो देर एलसीएम, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा एलसीएम, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए वन इंटू ए टू। और थ्री नंबर्स हैं तो नंबर्स तो ये रहे, ये लो तीन है तो तीन हमने कर दिया। एलसीएम कितना दिया है 2400, एच सी एफ कितना दिया है, एच सी एफ निकालना है हमें, ओके एच सी एफ क्या निकालना है, निकालना है। और ये नंबर्स हैं 3 4 5, 3x 4x और 5x। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, थ्री नंबर्स ऑन रेशियो में है तो इन x को आप कॉमन लीजिएगा, x कॉमन, चारते 12 5 60, x क्यूब नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीन नंबर जो है वो रेशियो में है। और एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ क्या होता है 4 × 2 मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन हमारा x हो गया। ठीक है, नहीं समझ आए दोबारा आप बताइएगा मुझे। तो 4 × 3 = 12 = 60 = 2400, एल सी एम इज 2400, एच सी एफ हमें निकालना है, तो एच सी एफ इक्वल टू, इस फॉर्मूले से नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, एच सी एफ इक्वल टू 2400 / 60। उसका रीजन ये है कि मल्टीपल, ये जो मल्टीपल है ना ये पूछ रहा है, तो ये जो 2400 है इसको 60 से डिवाइड कर दिए, 6 × 24 = 40, तो 40 है क्या ऑप्शन में, यस ए नंबर है 40 हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा दिमाग वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, देख लीजिए एक बार। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो एच सी एफ ही निकालना, तो नंबर्स तो हमारे दो हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसीलिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2400 को 60 से, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर, आंसर ए, ए वॉज द राइट आंसर, ओके 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ किसका, अच्छा ये गुड क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिपीट हो जाए वो समझ लीजिएगा बार बार आता है ना, तो क्या निकालना है एलसीएम, तो हमें पता होना चाहिए एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एच सी एफ, एलसीएम किसका, ऊपर वाले नंबर्स का, 1 2 5 और 4, एलसीएम लीजिए, सबसे पहले ये तो 1 है ही, 2 से कर देते हैं, 1 1 5 और 2 से कर देते हैं, फिर 1 1 5 और 1, अब 5 से कर देते हैं, 1 1 1, सब जगह 1 आ गए, 5 × 10 = 20, तो एलसीएम तो हमारा कितना गया 20। इसमें देखिए ये ऑड नंबर है, तो इसमें ऑड नंबर है एक ही है लेकिन, और छोटा यही है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा इस केस में, यहाँ निकाल लेते हैं 3 9 6 27, एच सी एफ निकालना, 3 और 9 का देखिए 3 3 9 0, इन दोनों से 3 आ गया, इससे 3 और 6 3 2 6 0, ठीक है, इन दोनों से 3 आ गया, इससे और इससे 3 और 27, 3 9 = 27, तो इनका आंसर कितना गया फाइनली, तो दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, एलसीएम में निकालना है इसमें भी, ओहो ये वाला है, फाइंड द एलसीएम, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए 108 करके दिखाइए आंसर, 108/18, 36/51, ये थोड़ा सा देख मैं चेंज कर देता हूँ, 108/18, 36/51 है ये, और
इसको ऐसे करना, देखिए भाई 39/17, 17 51 प्लस में 9 तो 60, तो 60/17 होगा, याद है, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन पहले पढ़ा था फ्रैक्शन के अंदर, तो 60/17 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एच सी एफ इक्वल टू एच सी एफ अपॉन में एल सी एम से एच सी एफ अपॉन एल सी, देखिए एच सी एफ ऊपर वाले का 108, 36 और 60, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 36, 60, 108, इसका निकालिए 36 और 60, 36 से 36, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, है ना। चौबीस तो 36 है, 24 से 24, 6 में 4 गया 2, 1 तो 24 यहाँ, 12 2 9 24 0, तो इन दोनों से तो हमारा 12 आ गया, इसका और इसका देखते हैं, 12 बाहर 108 अंदर, 12 9 100 8 0, तो हमारा एच सी एफ जो है दैट इज 12, है ना। एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 18, 51 और 17 का, देखिए पहले हम 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 1 3 7 और 17, 6 से कर लिए 17 से कर लिए, 6 3 18, 18 × 17 कर दीजिए, है ना, तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 × 17 आएगा 306, फाइनल कितना आएगा 306, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 306, देखिए 2 6 12, 2 1 2 5 2 3, है ना, 3 2 6, 3 5 3 1, तो 2/51 इज द राइट आंसर। इसको मिनिमम लिखना है, मिनिमम कैंसिलेशन मेथड का यूज करिए, अगर कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करके फाइनली आपको इस तरह, तो इसका आंसर कितना है 2/51, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सेम क्वेश्चन, आप एलसीएम निकाल सके, 4 2 8 1 9, 9/2 कर दीजिए इसे, क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, 9/2 है ये आपके लिए, ये 3/1 है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता वहाँ होता है, तो 10 2 20 1 21/2, ये आपका क्वेश्चन, दिस इज द राइट क्वेश्चन, ओके। जैसे 41 लिखा है तो इसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं हमारी मर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिस इज योर होमवर्क, ओके, ये इसको भी आप कर लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना, तो आप करेंगे, ठीक है, और बाकी आपको होमवर्क मैं भेज दूंगा, उसी के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। थैंक्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, तो उम्मीद है अच्छी लग रही है क्लास, आप लोग कमेंट्स नहीं लिखते हैं, बस क्लास लिख लिया, कर लिया बस, ओके, है ना, थोड़ा सा मेहनत करिए भाई, ओके, ठीक है, बाय।